नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ जो निकल रहा है वन विभाग से। तो वन विभाग में वनपाल, ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ, सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली हुई है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म किस प्रकार भरना है, क्या इसमें एज वगैरह रखी गई है, क्या योग्यता है, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पे चलने से पहले हाँ सरकारी नौकरी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये जो साइड में एक बार आपको बेल आइकन दिखाई दे उस बेल आइकन को जरूर दबाना है तथा साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पोस्ट वगैरह देख सकते हो, इसमें किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ देख सकते हो, पहली है फॉरेस्टर, पहली वैकेंसी है वनपाल की, ठीक है। हम हिंदी में लिखेंगे तो वनपाल लिखेंगे, वनपाल हो जाएगा। ये फर्स्ट पोस्ट निकल के आ रही है वनपाल की, ठीक है मित्रों। वनपाल की फर्स्ट पोस्ट निकल के आ रही है, जिसको यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो पेमेंट मिलेगा वो दिखा देते हैं। आप पेमेंट देख सकते हो 7CPC के तहत आपको इसमें पेमेंट दिया जाएगा। लेवल 2 पे स्केल आपको जिसमें मिलने वाला है वो हो जाए 19,900 से 63,200, इसमें आपको वेतन मिल जाएगा। तो अच्छी वैकेंसी है, अच्छी, इसमें आपको पेमेंट वगैरह मिल जाएगी। या 19,900 से आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तथा इसी के साथ नेक्स्ट वैकेंसी जो निकल के आ रही है, ड्राइवर की पोस्ट निकल के आ रही है। यदि आप ड्राइवर से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो ड्राइवर के लिए। यहाँ ड्राइवर की जो पोस्ट निकल के आ रही है, यहाँ ऑर्डिनेंस ग्रेड में निकलती है, यहाँ 7CPC के तहत, इसमें भी आपको पेमेंट जो है वो सेम दिया जाएगा। तो पेमेंट देख सकते हो, इसमें भी आपको अच्छा पेमेंट मिल रहा है, 19,900 से स्टार्ट है, 63,200 पेमेंट इसमें मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है, इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो फॉरेस्ट गार्ड। तो यहाँ जो वन प्रहरी है बोलते हैं, उनकी यहाँ वैकेंसी निकल के आई है फॉरेस्ट गार्ड की। तो यहाँ देख सकते हो, इसमें जो आपको पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा 18,000 से 56,900 रुपये, इसमें आपको वेतन मिल जाएगा। तो अच्छी जॉब है, सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप किसी राज्य से बिलोंग क्यों नहीं करते हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट निकल के आ रही है मल्टीटास्किंग स्टाफ की मित्रों। तो यहाँ देख सकते हो मल्टीटास्किंग में कौन कौन सी पोस्ट मिल रही है। यहाँ देख सकते हो सफाई कर्मचारी की यहाँ पोस्ट मिल रही है आपको, जिसमें आपको पेमेंट मिल रहा है वो 18,000 से स्टार्ट हो रहा है, 56,900 इसमें आपको पेमेंट वगैरह मिल जाएगा। और इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन और दौड़ वगैरह, शारीरिक फिजिकल शारीरिक के मापदंड में इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। सर्वप्रथम यहाँ आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। प्रथम पोस्ट आपको पता है, मैंने आपके विवरण दिया था वनपाल की। तो वनपाल के लिए क्या अनिवार्य है, वनपाल के लिए 12वीं पास होना चाहिए, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से यदि आपने 12वीं पास की है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 27 ईयर्स के बीच, ठीक है। आपकी एज कम से कम 18, अधिकतम 27 ईयर्स के बीच है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं जो आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार छूट भी मिल जाएगी। और साथ साथ हम बात करते हैं इसकी फिजिकल। तो यहाँ देख सकते हो आप जो मेन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ 25 किलोमीटर दौड़ करनी है 4 घंटे में। हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट वगैरह में 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ आपका 79 से होना चाहिए, 84, ठीक है। यदि आपका सीना है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ हम बात करते हैं महिला महिला कैंडिडेट्स की यहाँ दौड़ क्या होगी। तो महिला कैंडिडेट्स की दौड़ देख सकते हो मित्रों आप यहाँ, 14 किलोमीटर है इन 4 घंटे में। तो 14 किलोमीटर आपको दौड़ना है 4 घंटों में। आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट वगैरह इसमें दिखा रखा है, ये थोड़ा लीगल है, इसमें चेस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस PDF में दिखाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट है, ये तो वनपाल का हमने आपको बता दिया है वनपाल के लिए क्वालिफिकेशन। इसी के साथ हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस ग्रेड ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो ड्राइवर के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, लाइसेंस होना अनिवार्य है, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मतलब मोटर कार चलाने का,
मस्ट क्वालिफाइड ड्राइव टेस्ट, यानी कि आपका ड्राइव टेस्ट लिया जाएगा वहाँ, उसके बाद में आप क्वालिफाई हो गए इसमें। तो इसमें और कुछ इसमें ज़रूरी है नहीं कि आपको और दौड़ वगैरह आपकी होगी नहीं, आपको सीधा इसमें ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद आप सिलेक्ट हो, एज होगी आपकी 18 से लेकर 27 की, SC ST को यहाँ छूट दे दी जाएगी, तो टोटल मिलाकर उनकी भी 32 साल इसमें कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें विवरण। और इसी के साथ नेक्स्ट पोस्ट निकल के आ रही है, जो हमारी निकल के आ रही है वो थी फॉरेस्ट गार्ड की। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ देख सकते हो आप 10वीं पास होना है, आपको 10वीं पास होना है, आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 27 ईयर्स। OBC कैंडिडेट्स को वगैरह इसमें छूट मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हो मेन के लिए क्या रखी गई है, हाइट वगैरह ये इसमें दौड़। तो मेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 25 किलोमीटर की दौड़ करनी है 4 घंटे में, 25 किलोमीटर की दौड़ करनी है 4 घंटे में। नेक्स्ट है इसमें हाइट वगैरह, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है, 165 सेंटीमीटर सीना है, आप 5 सेंटीमीटर फ्लाव के साथ 79 से 84 के बीच आपका यदि सीना है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ वुमन की इसमें महिला कैंडिडेट्स यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहती है तो उसका जो दौड़ होगी कितना होगी, तो यहाँ देख सकते हो 14 किलोमीटर 4 घंटे में होगा, और आपका हाइट वगैरह होना चाहिए 150 सेंटीमीटर, और चेस्ट होना चाहिए 74 से 79 के बीच आपका इसमें सीना वगैरह होना चाहिए। मित्रों ये फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। किस प्रकार अप्लाई करना होगा आप निश्चिंत रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ आवेदन शुल्क दिखा देते हैं आपको। आवेदन शुल्क आपको 200 या प्लस 300 रुपये देने पड़ेंगे। ये किसके तौर पे देने होंगे, ये देने होंगे आपको डिमांड ड्राफ्ट के, जो आप यहाँ देख सकते हो इसी बैंक का भी उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ देख सकते हो डिटेल्स, जो पेवल है वो शिमला की कोई बैंक है उसकी, उन पे आपको पेमेंट वगैरह पे में आपको लिखना है। और इसी के साथ हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है। CPC आपने देख ही ली है कि कितना आपको पेमेंट वगैरह मिल जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो इसकी ऑफिशियल जो एड्रेस है वो, तो ये आपको जिस फॉर्म पे ये सेंड करना है वहाँ लिखना है, ये जो टू में आपको लिखना है एड्रेस, एड्रेस ये एड्रेस लिखना है। इस एड्रेस को लिखने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है, और इसकी लास्ट डेट है 17 अगस्त 2018 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है मित्रों। और इसी के साथ हम बात करते हैं आपको फॉर्म के ऊपर क्या लिखना है, ठीक है। आपको फॉर्म के ऊपर लिखना है जैसे कि आपने काफ़ी ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किए हैं, जैसे कि अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऐसे लिखते हो ना, उसमें आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे ड्राइवर के लिए पोस्ट कर रहे हो, वनपाल के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, उस डिटेल्स आपको देनी है। ऊपर जैसे कि बार होता है उस बार में आपको इस प्रकार की जानकारी लिखना अनिवार्य है, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है वो ऊपर लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, ऐसा लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और उसके बाद में विवरण दे देना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब हम आपको फॉर्म बता देते हैं फॉर्म किस प्रकार भरना है। तो इसमें मित्रों सिलेबस की भी जानकारी दे दी है, तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है किस प्रकार क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो उन्होंने इसकी भी जिक्र किया है, यहाँ इस प्रकार आपको ये दे दिए जाएंगे। हम सीधा आपको फॉर्म के एप्लीकेशन पे ले चलते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है मित्रों, ये आपको भरना है, आपको ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद जो मैंने ऊपर एड्रेस बताया उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। तो आज का गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और यदि भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।